पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद दो आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी दो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों पर चाकू से हमला कर पैसे लेकर फरार हो गए थे। कटनी में अपराधी निखिल विश्वकर्मा, उसके दोस्त जावेद उर्फ राय खान ने मोहम्मद सादिक से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन जब सादिक ने पैसे देने से मना किया तो इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की और उस पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से पुलिस ने चाकू जब्त किया है। इन दोनों अपराधियों ने एक और युवक पर चाकू से हमला किया था, जिसकी सूचना भी पुलिस को मिली थी। क्या हो रहा था? राजश्री दुकान मिली है, राजश्री लेने के बाद धक्का लगा है, उसके में लोग आए पीछे से मार दिए। पीड़ित मोहम्मद शारिक, पिता मोहम्मद शरीफ, उम्र 27 वर्ष, ये त्रिपाठी मेडिकल प्रेमनगर के रहने वाले हैं। इनके पास निखिल विश्वकर्मा अपने दोस्त के साथ आया और शराब पीने के पैसे मांग लिया, जिसका इन्हें विरोध किया, जिस पर निखिल विश्वकर्मा और उसके दोस्त ने इनकी जान में चाकू से 3-4 बार काट लिए। जिस इनकी शिकायत करते हुए रिपोर्ट पर थाना इनके जेल में अपराध 21/23 धारा 292 324 327 524 का अपराध पंजीकृत विषय लिए गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।